भदोही में पुलिस और मत्स्य विभाग की संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई। नेशनल हाईवे 19 से दो ट्रकों में रखी 10 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत की प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली पकड़ी। मौके से 9 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। बागपत में पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। बड़ौत के मलकपुर गांव की वारदात। आरोपी को पकड़ने के लिए बनाई गई 2 टीमें। सोमवार से शुरू होंगी उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं। परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर की दूरी तक हर 144 लाख 191 परीक्षा केंद्र संवेदनशील और 18 अति संवेदनशील। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में इस बार छात्र छात्राओं की संख्या में भारी कमी दर्ज। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस बार 3043 परीक्षार्थियों की संख्या घटी। 2021 की बोर्ड परीक्षा में थे 20,660 परीक्षार्थी, इस बार हैं सिर्फ 17,617। उधम सिंह नगर के नानक मत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में डायरेक्टर पद की प्रक्रिया हुई पूरी। 27 डायरेक्टर हुए निर्वाचित। 29 मार्च को अध्यक्ष और सचिव पद के लिए चुनाव प्रक्रिया होगी शुरू। रुड़की पहुंचे खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने अपने कार्यालय में क्षेत्र की जनता से की मुलाकात। कहा, अपने क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा रहूंगा समर्पित। क्षेत्र में जो काम 20 सालों में नहीं हुए वो 5 साल में हो जाएंगे। पाचपुर में हुई घटना में घायलों से मिलने पहुंचे अरविंद पांडे। जाना कुशल क्षेम। घटना पर जताया दुख। मीडिया से बोले, उपचार में नहीं होने देंगे कोई भी कमी। पाचपुर में वाहन के पलटने से कुछ लोग, हम लोगों के परिचित, दिहाड़ी मजदूरी के लिए जा रहे थे। अचानक वाहन के पलटने से 38 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 5 लोग अति गंभीर हैं, जिनको यहाँ काशीपुर सहोता हॉस्पिटल में 5 लोगों को आईसीयू में एडमिट। नैनीताल में लगा हस्तशिल्प मेला। मेले में देशभर से व्यापारी अपने अपने सामान को लेकर पहुंचे। 2 वर्षों के कोविड काल के बाद शुरू हुए इस मेले में कई राज्यों से प्रादेशिक वेशभूषा और हस्तशिल्प के आइटम्स ग्राहकों के लिए रखे गए। गाजीपुर में पूर्व एमएलसी डॉक्टर कैलाश सिंह ने सपा से की बगावत। एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल को समर्थन देने का किया ऐलान। एमएलसी चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज। मुरादाबाद के शिवपुरी में नगर निगम की टीम ने सपा नेता के मकान को टैक्स जमा नहीं करने पर किया सील। मकान के अंदर सपा नेता की बेटी को बंद करने का आरोप। सपा नेता बोले, हाउस टैक्स जमा करने के बावजूद किया जा रहा परेशान। औरैया में चेकिंग के दौरान बिजली कर्मियों के साथ महिलाओं ने किया भद्रता। बिजली कर्मियों ने ग्रामीणों पर मारपीट और अपशब्द बोलने का लगाया आरोप। बिजली विभाग के अधिकारियों ने पपूंद थाने में ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। सोनभद्र में हर साल 2 से 3 मीटर तक जलस्तर में आ रही कमी। कई ब्लॉक्स के जलस्तर में प्री पोस्ट मानसून में 2 से 3 मीटर की गिरावट आई सामने। मुजफ्फरनगर में अवैध संपत्तियों पर चल रहा सरकारी बुलडोजर। काली नदी के पास 50 बीघा से भी ज्यादा की सरकारी जमीन पर किया गया अवैध कब्जा। प्रशासन ने हटाया जमीन पर 3,000 पेड़। लगाने की तैयारी की। सहारनपुर के बैरामपुर गांव में सरकारी स्कूल का फर्नीचर बेच रहे प्रधानाध्यापक को ग्रामीणों ने पकड़ा। लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली का घेराव कर किया हंगामा। प्राइवेट स्कूल को 20,000 में फर्नीचर बेचने का लगाया आरोप। पौड़ी में फायर सीजन को लेकर मुख्य वन संरक्षक ने की मीटिंग। मीटिंग में वन विभाग के अलावा पर्यावरण प्रेमियों को भी बुलाया। वनाग्नि से निपटने के लिए जनता से भी मांगा गया सहयोग। 30 जून से शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। इस बार 43 दिन चलेगी यात्रा। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से बंद थी यात्रा। ध्वनि प्रदूषण के मामले में मुरादाबाद बना दुनिया का दूसरा शहर। यूएन ने जारी किए आंकड़े। बढ़ता ध्वनि प्रदूषण का स्तर अनेकों बीमारियों को दे रहा जन्म। ताज महोत्सव में बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर हरिहरन ने मुक्ताकाशी मंच पर दी प्रस्तुति। सिंगर हरिहरन को सुनने के लिए दर्शकों में दिखा खासा उत्साह। हरिहरन ने जैसे ही सुरों का साथ छेड़ा दर्शकों की तालियां बज उठी।